हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्री इंपॉर्टेंट अपडेट्स विच आई हैव रिसीव्ड सो हियर इज द फर्स्ट वन आई विल रीड इट इट इज इन मराठी देन आई विल एक्सप्लेन यू महाविद्यालयीन परीक्षे साढ़ी एक नाव दे आर गोइंग टू डिसाइड वन सिंगल पैटर्न फॉर ऑल दी यूनिवर्सिटीज इन इंडिया सो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एक ही पैटर्न अभी डिसाइड होगा यू के बेसिस पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं जिन लोगों ने ये सुझाव दिया है और ये रिपोर्ट अभी एम के पास गया है एम एच आर डी इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड दी एम एच आर डी विल डिसाइड अपॉन दी एग्जैक्ट पॉइंट्स वेदर टू फॉलो दिस और नॉट सो दियर आर दी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स दॅट आय वुड लाईक टू हायलाइट लॉकडाऊनमुळे देशातील आठशे एकवीस विद्यापीठातील सुमारे चार कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या रखडल्या परीक्षा दॅट मीन्स फोर करोड करोड स्टुडंट्स आर नॉट एबल टू गिव्ह दिस एक्झाम ड्यू टू दी लॉकडाऊन सिच्युएशन विच वी आर फेसिंग परीक्षेचा पॅटर्न निश्चित करण्यासाठी डॉक्टर आर सी कुहाड यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती सो so, डॉक्टर आर सी कुहाड इज द वाईस चान्सलर ऑफ दी हरियाणा युनिव्हर्सिटी अँड ही ही इज दी पर्सन हू इज अपॉइंटेड एज एक्सपर्ट एंड ही हैज लॉर्ड ऑफ मेम्बर्स इन दिस कमिटी हू हैज सबमिटेड द रिपोर्ट स समिति ने देश उच्च शिक्षण मंत्री साधला संवाद लॉकडाउन नर एक पैटर्नुसार हो परीक्षा तो so, दे आर गोइंग टू फॉलो वन सिंगल पैटर्न मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पर एक पैटर्न है दूसरी जगह पर दूसरा पैटर्न बिकॉज काफी सारे प्रॉब्लम्स अभी फेस हो रहे हैं तो so, एक ही पैटर्न अभी यूज होने वाला है अभी वो पैटर्न क्या होगा उसके ऊपर एग्जैक्ट डिसीजन अभी लेना बाकी है सो का बहुत सारे उसमें पॉइंट्स देखे गए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स में यहाँ डिस्कस करवाऊंगा जैसे ही हमें पता चलेगा उसके बेसिस पे आई विल बी मेंशनिंग यू समिति ने निश्चित के परीक्षे का पैटर्न मंजूरी आता केंद्रीय मनुष्यबल विकास मंत्रालय सादर दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ हाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पास ये पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट किया गया है एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विल बी नाउ डिसाइडिंग वॉट काइंड ऑफ मेथड्स दे कैन टेक फॉर हैविंग द सेम पैटर्न विच विल बी यूज फॉर ऑल दी एग्जामिनेशन्स सो ये एक स्पेसिफिक uh, इंपॉर्टेंट Uh, जो न्यूज़ है जो मेरे पास आई थी तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ तो दिस इज़ द न्यू पार्ट विच ऑल द यूनिवर्सिटीज़ विल बी नाव हैविंग तो एक मतलब सभी जगह पे अभी एक ही पैटर्न फॉलो होने के चांसेस इस न्यूज़ से लग रहे हैं और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो सभी कॉलेजेस के ऊपर होता है तो उन्होंने सारे के सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से रिपोर्ट मांगे थे और ये सारे के सारे रिपोर्ट्स को अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पास सबमिट किया गया है उससे अभी ये डिसीजन लिया जाएगा एग्जैक्टली exactly कि थर्ड मे के बाद या जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद किस तरीके से एग्जाम्स लेने हैं तो ये है पहला नोटिफिकेशन दूसरा नोटिफिकेशन भी मैं आपके एंड नेक्स्ट नोटिफिकेशन इज सी बी सर्कुलर फॉर अकेडेमिक सेशन So CBSC has changed the syllabus for classes from 6 to 12 for next session of 2021. Board decides to reduce the syllabus. So CBSC has also changed the syllabus for classes for from six to twelve for the next academic session of twenty twenty one. तो सी ने भी अपना जो सिलेबस है उसको कम कर दिया है बिकॉज सिंस द कोविड नाइनटीन लॉकडाउन एक्सटेंडेड टिल मे थर्ड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल स्कूल्स टू स्टार्ट न्यू एकेडमिक सेशन बिफोर लास्ट वीक ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट तो इन्होंने ऐसा प्रडिक्शन किया है कि uh, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा स्कूल्स को जुलाई में स्टार्ट होने के लिए या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट होने के लिए सो द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू रिड्यूस द सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर द क्लासेस फ्रॉम सिक्स टू टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तो सी बी एस ई ने अपना सिलेबस जो है वो रेड्यूस किया है ऐसे ही आर्टिकल में दिया गया है तो उसी तरीके से बाकी के यूनिवर्सिटीज बाकी के बोर्ड क्या करेंगे उसके ऊपर भी अभी डिसीजन लेना बाकी है तो ये भी एक सर्कुलर पेपर में आया था तो उसके बेसिस पे वी हैव डिस्कस सो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर हैपनिंग सो इसीलिए ये जो सर्कुलर है वो पेपर में डाला है Uh, that is uh, the, uh, has also decided to reduce the syllabus. अब ये जो syllabus reduce होगा वो किस तरीके से होगा कैसे chapters को कम किया जाएगा कैसे uh, marks को adjust किया जाएगा उसके ऊपर आगे की चर्चा होगी और उसके basis पे आपको notifications आते रहेंगे तो ये है हमारा second circular and here is the third

सो so, यहाँ पे जो सेकेंड पैराग्राफ में मैं वो पढ़ रहा हूँ इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन द प्रेजेंट सिचुएशन आवर स्टेक होल्डर्स हैव एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द एग्जामिनेशन एंड पॉसिबल डिले इन नेक्स्ट एकेडमिक कैलेंडर टेकिंग नोट ऑफ द जेन्युन कंसर्नस ऑफ द स्टूडेंट्स टीचर्स पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस यू जी सी हैज़ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी सो यू जी सी ने uh, एक कमिटी फॉर्म किया है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया वो कमिटी के अंदर काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं और उसके बेसिस पे उन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके वो रिपोर्ट को एम के पास भेज दिया है अब एम एच आर डी दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो डिसाइड करेगा एग्जैक्टली exactly कि, कि किस तरीके से आगे के एग्ज़ाम्स को लिया जाएगा किस तरीके से एग्ज़ाम में जो एक पैटर्न फॉलो करने की बात हमने डिस्कस की वो पैटर्न फॉलो होगा और किस तरीके से स्टूडेंट्स को इंटीमेट किया जाएगा और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग भी हमें जो फॉलो करना है वो किस तरीके से सारी चीजें होने वाली है सारे के सारे पॉइंट्स जैसे ही कुछ नए नोटिफिकेशंस आएंगे उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा सो द यूजीसी आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद द एमएचआरडी विल इशू यहाँ पे लास्ट लाइन में क्लियर दिया है जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया कि यू जी के पास एम के पास जो जो उन्होंने सारे के सारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस भेजे है जो कमिटी ने रिपोर्ट बनाया था उसके बेसिस पे एमएचआरडी के साथ प्रॉपर उसका डिस्कशन करके उसके जितने भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं सब कुछ डिस्कस करके गाइडलाइंस इशू करेंगे और उस गाइडलाइंस के बेसिस पे सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ फिर अपने डिफरेंट डिफरेंट एफिलेटेड कॉलेजेस को इन्फॉर्म करेंगे कि आगे हमको किस तरीके से एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करना है तो फिलहाल हमको ये पूरे आज के वीडियो से इतना ही क्लियर हुआ है कि एग्जैक्टली exactly जो रिपोर्ट है वो अभी एमएचआरडी के पास गया है एंड एमएचआरडी अभी ऐसे डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली exactly किस तरीके से आपको एग्जाम्स लेने हैं दैट्स इट दिस वॉज द वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लाइक कर देना अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे